हेलो एंड वेलकम टू यशिदास किचन आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है ढाबा स्टाइल काजू मसाला इसे बनाने की सामग्री स्क्रीन पर दी गई हुई है आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर सकते हैं एक हैवी बॉटम कढ़ाई ले जिसमें दो टेबलस्पून तेल गरम करना है कढ़ाई थोड़ी मोटी रखें अभी इसमें आपको अदरक लहसुन हरी मिर्च काली मिर्च दालचीनी इलायची लौंग और प्याज डालने हैं प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक आपको अच्छे से पकाना है एक टीस्पून घी भी डालें अभी इसमें एक टीस्पून जीरा डालें इसको अच्छे से पकाना है आपको टमाटर भी डाल दें जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब गैस की आंच को आप बंद कर सकते हैं अब एक चौथा एक कप आपको काजू लेने हैं जिसका आपको थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा पीस बनाना है अभी हमारे प्याज और टमाटर पक चुके हैं इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कीजिए मिक्सर जार में इसका स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है अभी उसी कढ़ाई में एक टेबलस्पून तेल लेना है एक टीस्पून घी लेना है आपको इसके गरम होते ही जो हमने प्याज और टमाटर का स्मूथ पेस्ट बनाया था उसे डाल दे अब अगर ग्रेवी थोड़ी थिक है तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं आप अभी इसमें आधा टी स्पून आपको हल्दी पाउडर तीन टी स्पून आपको लाल मिर्च पाउडर डालना है एक टी ती, स्पून आपको गर्म मसाला एक टी स्पून धनिया पाउडर एक टी स्पून सॉल्ट डालना है मिर्च मसाले कम ज़्यादा अपने अनुसार आप कर सकते हैं अभी इसमें आपको एक टी स्पून कसूरी मेथी डालनी है मसाले कम ज़्यादा अपने हिसाब से करें तीन टेबल स्पून मलाई या फिर फ्रेश क्रीम डालें इसको अच्छे से धीमी आंच पर चलाना है बीच बीच में चलाते रहें अभी एक चौथाई चम्मच आपको शक्कर लेनी है जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था उसे भी डाल दें इसको अच्छे से चलाएं, चलाते रहे अभी मैंने 20 मिनट तक गर्म पानी में काजू भिगो के रखे थे वो भी डालूँगी एक कप काजू लिए हैं मैंने 20 मिनट तक मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था अभी एक चौथाई कप आपको बटर डालना है इसको आपको अच्छे से पकाना है धीमी आंच पर देखिए तेल छूट चुका है मेरी ग्रेवी अच्छे से बन गई है अच्छे से सारी मसाले पक चुके हैं सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है हमारी काजू मसाला रेसिपी जो ढाबा स्टाइलर रेडी है इसे आप नान पराठा कुलचा रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं मेरी रेसिपी कैसी लगी थी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद